हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशली एक अलग और अनोखी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर शुगर केन ऑटोमेटिक शुगर केन मशीन की वीडियो बना रहे हैं और इसके अंदर टोटली अलग डिटेल्स देंगे दोस्तों। इसके अंदर वैसे हम जो वीडियो में बताते हैं और आज हम ये वीडियो के अंदर एक्चुअल डिटेल्स आपको बताएंगे कि 1 किलो गन्ना वेट करके 1 किलो गन्ने के अंदर एक्चुअली ओरिजिनलिटी में कितना जूस निकलता है। आपके सामने 1 kg गन्ने का वेट करेंगे, उसके सामने इस बाद आपके सामने गन्ने का जो जूस निकलता है 1 किलो में से, वो कितना जूस निकलता है, एक गिलास बनाने का खर्चा कितना पड़ता है, मशीन कौन सी क्वालिटी से यूज की गई है, मशीन के अंदर कौन से रोलर्स यूज हमने किए, एक मशीन के अंदर कौन से हमने गियर सिस्टम यूज किए है, बैटरी वाली मशीन में कौन सी बैटरी यूज की है, इलेक्ट्रिक मशीन में कौन सी मोटर यूज की है हमने, तो ये वीडियो के अंदर दोस्तों हम पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखिए, जिसके अंदर आपको टोटली नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी मशीनों के बारे में कि मशीन क्या देख के खरीदनी चाहिए, मशीन खरीदने के बाद आपको फायदा कितना होता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी मशीनें मिलती है दोस्तों कि वन टाइम में वो क्रशिंग नहीं करती है और कस्टमर जब मशीन लेता है तो उनको बिजनेस में नुकसान रहता है उसको। जैसे कि 1 किलो गन्ने के अंदर मार्केट में जो मशीन मिलती है 350-350 ग्राम ही जूस निकलता है, जिसके हिसाब से 1 गिलास गन्ने का 10 रुपए का तो उनको घर में पड़ता है, तो मार्केट में आगे कितने में सेल करेंगे दोस्तों वो, ठीक है। क्योंकि ये गन्ने का जूस 1 गिलास 10 रुपए का रिटेल प्राइस 10 या 12 या 15 रुपए में रिटेल प्राइस में जाता है मार्केट में। और हमारी मशीन में हम हमारे कस्टमर को बोलते हैं कि 1 किलो गन्ने के अंदर आपको 700 ग्राम जितना जूस निकलता है। तो ये चीज हम आपको आप लाइव वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे कि 1 किलो में 700 ग्राम जूस कैसे निकलता है मशीन के अंदर से। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, जिसमें आपको सब डिटेल जानकारी मिले मशीन के बारे में कि मशीन क्या देख के, क्या चीज देख के, मशीन की क्या क्वालिटी देख के खरीदनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले में हमने यहाँ पे वेट करने के लिए छोटा पे कट्टा लिया हुआ है, वेट करने के लिए इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने गन्ना लिया है, हम इसका गन्ने का वेट करेंगे दोस्तों, वजन करेंगे गन्ने का। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 0 है इसका वेट, जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को जरा, लिखात नहीं बात लिखा गई, ये आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम जो है गन्ना है इसका वेट करेंगे, आपके सामने वेट करेंगे, आप देख सकते हैं ये दोनों गन्ने रखने के बाद आप देख सकते हैं 1 किलो और 30 ग्राम वजन है इसका, देखा इसे क्लियर, 1 kg and 30 grams गन्ने का वजन है अभी दोस्तों। अभी यही चीज हम इसके अंदर से निकाल के आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका डी से इसके अंदर जरा भी झूस नहीं है, आप देखिए एक बूंद भी नहीं, अगर है भी तो हम निकाल देते हैं कुछ भी छोटा मोटा, आप देख सकते हैं इसका स्टोरेज है एकदम खाली है। इसके बाद हम इसको, इसका झाली है जो गालने के लिए झाली बोलते हैं इसको, इसको झाली के साथ इसको अंदर डाल देंगे हम। ये वाली मशीन है हमारी बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, जो पावर की जरूरत नहीं है, विदाउट पावर पे मशीन चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 4 से 5 घंटे तक आप मशीन चला सकते हो विदाउट पावर पे। अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें गन्ना डालेंगे इसके अंदर, जो भी वजन किया हमने दोनों गन्ना डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं ये गन्ना लगा के छोड़ दिया है हमने दोस्तों इसके अंदर, इसको पकड़ के नहीं रखना है आपको, गन्ना डाल के छोड़ देना है आपको, ये पीछे से वेस्टेज है इसका। इसका वेस्टेज आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा बिखर गया है वेस्टेज। इस टाइप का क्रशिंग आपको पूरी इंडिया में कोई भी मशीन में नहीं मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा गन्ना भी डाल देंगे, ये डाल के छोड़ देना है आपको, खाली खाली आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे भी इसका वेस्टेज आप देख सकते हैं, आप देखिए वेस्टेज पूरा पूरा बिखर के, एक बूंद भी जूस नहीं है दोस्तों इसके अंदर, एक बूंद भी नहीं है। अभी हम मशीन को बंद कर देंगे, उसके बाद ये बाउल है, इसके अंदर हम जूस भरेंगे बाउल के अंदर, इसको बाउल का वजन काट लेंगे पहले, आप देख सकते हैं इसको कट्टे के ऊपर रखेंगे,
789 ग्राम है इसका, आप देख सकते हैं, देखा इस, अभी इसको हम जीरो जीरो कर देंगे यहाँ पे, ये जीरो हो चुका है, अभी लेने के बाद वापिस 789 ग्राम आ जाएगा। देखिए अभी माइनस में वजन है इसका, अभी हम इसको कटेंगे, इसमें से जूस निकालेंगे पूरा गाल के छाना हुआ। ये आप देख सकते हो एकदम क्लीन जूस निकल रहा है, गाल के जरा भी कचरा नहीं है इसके अंदर दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जूस निकल रहा है इसके अंदर से। आप देख सकते हो खाली दो गन्ने के पीस छोटे छोटे हमने डाले हुए दोस्तों, उसके अंदर से ये पूरा जग भर चुका है, 70% जग भर चुका है। अभी हम इसका वजन करेंगे कितना ग्राम निकला है जूस अपने को इसके अंदर से। ये आप देख सकते हो दोस्तों 660 ग्राम जूस निकला है इसके अंदर से, 660 ग्राम्स यहाँ पे वेट दिख रहा है, 660 ग्राम जूस निकला है इसके अंदर से, नेकेड नेट जूस निकला है इसके अंदर से। उठाएंगे तो रिवर्स में चला जाएगा वेट इसका, 789 ग्राम है जो खाली बाउल का वजन था पहले। अभी ये गन्ना डालने के बाद जूस निकालने के बाद 760 ग्राम्स जूस निकला है इसके अंदर से। इसलिए दोस्तों 65% जूस निकला है इसके अंदर से, एक किलो गन्ने से 660 ग्राम जूस निकला हुआ है, जो हम हमारे वीडियो में एक्चुअलिटी बताते हैं हमारे कस्टमर को। जैसे कि आप बाजार से गन्ना लेते हो तो एक गन्ना आपको 8 से 10 रुपए के केजी के हिसाब से मिलेगा आपको, वैसे गन्ने तो भारी के हिसाब से मिलता है, लेकिन आप उसको एवरेज लेंगे तो 8 से 10 रुपए का एक किलो गन्ना पड़ेगा आपको। अभी आप 200-200 ml के तीन ग्लास बना के कस्टमर को देते हैं 10-10 रुपए में, तो 30 रुपए का बिजनेस होगा दोस्तों। 8 से 10 रुपए के गन्ने के अंदर आप 30 रुपीस मार्केट में सेल कर सकते हो उसको। वैसे आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है, अगर अच्छा एरिया है मार्केटिंग एरिया तो 15 रुपए में भी ग्लास बेच सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 रुपए में तो आराम से एक ग्लास बेच सकते हो दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा हमारा जो मशीन इलेक्ट्रिक मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन में से आपको गन्ने का जूस निकाल के देंगे, उसका वेट करा के आपको देंगे। इसको कोई दूसरे बाउल में भर दो, खाली करके दो। उसके बाद हम दूसरे दो गन्ने लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी हम वजन करेंगे कितना वेट है इसका। ये जीरो कर देंगे इसको पहले हम, ये जीरो हो चुका है। अभी उसके बाद हमें गन्ना रखेंगे इसके ऊपर, 914 ग्राम से 914 ग्राम वजन है इसका, खाली गन्ने का वजन 914 ग्राम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसका भी ट्रे दिखा देंगे, ये एम्प्टी है या क्या है ये आपको लाइव वीडियो में ही दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में कोई कट नहीं आएगा, ना तो कोई एडिटिंग किया आएगा, सेम टू सेम कंटिन्यू वीडियोस रहेगा दोस्तों। आप देखिए ये पूरा खाली है, इसका झाली है, ये ट्रे है इसका। अभी हम इसको अंदर डाल देंगे। ये चीज दोस्तों मार्केट में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सक्सेस नहीं होगा। एक किलो गन्ने में 400 ग्राम निकालेगा, 450 ग्राम निकालेगा, तो ये जेन्युइनिटी कोई नहीं बताएगा आपको वीडियो के अंदर। वजन करके वेट करके वो चीज कोई वीडियो के अंदर पूरा नहीं बताएंगे दोस्तों। अभी हमें मशीन को स्टार्ट कर देंगे यहाँ से स्विच बना के, ये स्टार्ट हो चुकी है मशीन। अभी हमें गन्ना डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं, जब देख सकते हैं गन्ना डाल दिया हमने, ये पीछे इसका वेस्टेज आप देखिए, वैसा सेम क्रशिंग है दोस्तों इसका, जैसा ये मशीन का क्रशिंग है वही सेम क्रशिंग है इसका, लेकिन ये मशीन इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, पावर पे चलने वाली है। ये आप देख सकते हो पूरा गन्ना वो एंटर हो चुका है इसमें से। अभी हम इसको बंद कर देंगे मशीन को, ये वापिस बाउल आ गया है, बाउल में वापिस फिलअप कर देंगे इसमें से। अभी सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे, इसको अभी हम जीरो जीरो कर देंगे इसको। ये आप देख सकते हैं जीरो जीरो हो चुका है, अभी उठाने से माइनस में वेट चला जाएगा इसका, देखिए। उसके बाद यहाँ से हम इसमें से जूस निकालेंगे अभी,
आप देख सकते हैं पूरा एकदम नेचुरल और क्लीन जूस निकल रहा है इसमें से। पूरा गाल के छान के जूस निकल रहा है इसके अंदर से, जरा भी कचरा या वेस्टेज नहीं है इसके अंदर। इसका वजन करेंगे, कितना झूस निकला है वो देख लेंगे। 900 ग्राम गन्ना था, 900 ग्राम गन्ना था वजन। अभी इसका कितना वेट है हम देख लेंगे। 580 ग्राम से 580, 580 ग्राम निकला है 900 ग्राम गन्ने के अंदर से दोस्तों। तो एबी अराउंडली 65% इसका क्रशिंग लेवल हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा, हमने आपको कंप्लीट करके दिखाया इसको। ये पूरा नेचुरल क्लीन जूस निकला है इसके अंदर से, रख दीजिए इसको। तो दोस्तों इस टाइप का क्रशिंग आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा कि इस टाइप का, क्योंकि क्रशिंग होता ही नहीं है। पूरे का पूरा गन्ना पीछे से बाहर ही निकलता है, बहुत सारी मशीनें रहती है उसमें पूरे का पूरा ही गन्ना निकलता है। दोबारा तीसरी बार डालने का जरूरत होता है वो सब मशीन में। फिर ऑटोमेटिक मशीन लेके कोई फायदा नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब है कि 110 में ही क्रशिंग हो जाना चाहिए दोस्तों, उसको ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं दोस्तों। इतना खर्चा और ऑटोमेटिक मशीन लेने के बाद वही मशीन में 2-3 बार गन्ना डालना पड़े तो वो मशीन कोई काम की ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम हमारी मशीन की आपको सक्सेसफुलिटी बताते हैं कि मार्केट में और हमारी मशीन में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है उसके अंदर। अभी हम आपको मशीन का इनर सिस्टम बताएंगे, इनर फंक्शन बताएंगे। इसको काटो, लीजिए तो मशीन ने ऊंधू फिर भी काटो। अभी हम मशीन आपको घुमाएंगे, वैसे पूरी स्टेनलेस स्टील की मशीन है। इसका वेस्टेज भी गिरा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दोस्तों। इसमें यहाँ पे दो बैटरी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो बैटरी लगा हुआ है, 12-12 वोल्ट का दो बैटरी लगा हुआ है इसके अंदर। मशीन के अंदर ही इनबिल्ट है, आपको अलग से लगाने का जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे मोटर सिस्टम है इसका, गियर मोटर है, खाली मोटर नहीं है दोस्तों। 400 वोल्ट का 400 वोल्ट का गियर मोटर है, यहाँ पे मोटर है और यहाँ पे इसका गियर सिस्टम है और यहाँ पे चेन सिस्टम इसका आप देख सकते हैं। ये चेन से ऑपरेट होता है, बेल्ट से ऑपरेट नहीं होता है। बहुत सारी मशीन होती है वो बेल्ट से ऑपरेट होती है, लेकिन ये मशीन चेन से ऑपरेट होती है, ठीक है। अभी हम आपको इसका कवर निकाल के स्टील का रोलर भी बताएंगे कि स्टील का रोलर कैसा होता है इसका और गियर सिस्टम कैसा होता है। पेचू लाओ। अभी हम आपको इसका बॉक्स ओपन करके भी बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हम बोल्ट लगा देंगे, क्योंकि हम आपको ऑपरेट भी चालू करके भी बताएंगे मशीन इसमें से। नट वापस लगा देंगे इसका हम। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा हाई टेम्परेट इसका गियर सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ पे गियर सिस्टम, यहाँ पे भी गियर सिस्टम है, प्लस यहाँ पे भी गियर सिस्टम लगाया हुआ है इसमें। प्लस यहाँ पे रोलर है, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का अखंड रोलर है दोस्तों। कोई खाली रोलर नहीं है, पूरा अखंड है, अंदर से भरा हुआ रोलर है पूरा। 3 रोलर आएंगे ऐसे और यहाँ पे चेन वाला बड़ा गियर सिस्टम दिया गया, आप देख सकते है। लाओ तो एक शेडी। अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, इसलिए पूरा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो चुका है मशीन। अभी ये गन्ना हम यहाँ से लगाएंगे उसको, यहाँ से पीछे से बाहर निकलेगा, आप देख सकते हैं। ये जूस निकल रहा है इसलिए मैं ट्रे लगा देंगे उसका।
आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए ये वेस्टेज देखिए इसका, आपके सामने ही लाइव दिखा रहे हैं हम इसके अंदर, यहाँ से जूस निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं ये जूस निकल रहा है अंदर से, ये पूरा वेस्टेज आपके सामने हमने निकाला है। अभी हम थोड़ा आपको फ्रंट घुमा के भी इसमें से जूस निकाल के बताएंगे। लाओ जी एक सीढ़ी, यहाँ से रोलर है इसका, आप देख सकते हैं पूरा रोलर, थ्री रोलर का स्टेनलेस स्टील का, एक दो और तीन रोलर है इसके। अभी इसमें से गन्ना डालेंगे हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से जूस निकल रहा है पूरा। बंद कर देंगे इसको, उसके बाद दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रिक मशीन है इसका हम आपको मोटर दिखाएंगे, कौन सा मोटर लगता है इसके अंदर है ना, फिर वो ये फोल्डिंग तार है निकाल देंगे हम इसको। ये इसका पीछे का लुक है, ये आप देख सकते हैं 1 HP का कॉपर वाइंडिंग मोटर लगाया हुआ उसके अंदर, 1 HP का हेवी ड्यूटी मोटर है, 1 HP का कॉपर का मोटर है, प्लस यहाँ से मोटर से बेल्ट होके जाता है यहाँ पे फंक्शनेबल गियर सिस्टम में, नीचे भी इसका गियर सिस्टम है फंक्शनेबल वाला। सबसे पहले मोटर लग के ये बेल्ट को घुमाती है, बेल्ट में से गियर सिस्टम से घूम के यहाँ पे चेन लगाई है, चेन के घूम के ऊपर का यहाँ पे भी गियर सिस्टम है, यहाँ पे भी गियर सिस्टम दिया गया है, डबल गियर सिस्टम है, जिससे गन्ना डालने के बाद मशीन खड़ा नहीं रहना चाहिए, एक गन्ना दो गन्ना आप डाले तो मशीन रुकना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पूरा फंक्शन का हैवी स्ट्रक्चर दिया गया है, प्लस ये मोटर है, प्लस यहाँ बेल्ट सिस्टम है, प्लस यहाँ पे इसका चेन सिस्टम। अभी हम आपको इसका ऊपर का भी बॉक्स खोल के बताएंगे, चलो ये बॉक्स भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। गियर सिस्टम है इसका, यहाँ पे इसका गियर का जो चेन रहता है ये सीधा चेन के उसकी तरह ही चक्कर है इसका, और यहाँ पे पूरा गियर को घुमाएगा पूरा वो। ये दूसरा बॉक्स है, ये भी खोल के हम आपको बताएंगे इसमें से। ये भी वही सिस्टम से है मशीन पूरा, यहाँ पे भी गियर सिस्टम दिया गया, यहाँ पे भी गियर सिस्टम दिया गया है। आप बोल लाइन, आप यहाँ पे अभी हम इसको लाइन देके मशीन चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे मोटर घूम रहा है, प्लस यहाँ पे गियर घूम रहा है इसका, ये गियर इसको ये गियर को घुमा रहा है, और यहाँ पे रोलर घूम रहा है इसका, आप देख सकते हैं पूरा। इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से, इसको रिवर्स घुमाना तो ऐसे आप उल्टा घुमा सकते हो, ये रिवर्स है ये फॉरवर्ड है। इसका फोल्डिंग तार है, आप तार भी इसको निकाल सकते हो, और यहाँ पे इमरजेंसी स्विच दिया गया, अगर इमरजेंसी से आपको मशीन चालू है इमरजेंसी बंद करना है तो यहाँ से लॉक सिस्टम से बंद कर सकते हैं आप उसको। तो दोस्तों इस टाइप की बेहतर क्वालिटी की हम मशीन बनाते हैं, जो हम चीज़ बनाते हैं हम आपको ओपनली खोल के हर एक फंक्शन हर एक चीज़ हर एक गियर सिस्टम उसका हर एक रोलर सिस्टम और हर एक डिटेल्स प्रॉपरली इसके अंदर वीडियो के अंदर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी मशीन जो रहती है वो 100% सक्सेसफुल है, और आप अगर आप खुद भी आप भी बिजनेस करेंगे दोस्तों तो इसमें प्रॉफिट में रहेंगे फायदे में रहेंगे इसके अंदर। अगर आप इसका टाइप का पूरा कूलिंग वाला ट्रॉली रहते हो तो मशीन तो हम यही लगाते हैं उसके अंदर, शुगर केन मशीन यही लगते हैं, लेकिन कूलिंग सिस्टम इसका बॉडी स्ट्रक्चर वो अलग से फिटिंग होता है अलग से लगाते हैं, लेकिन मशीन का क्वालिटी तो यही स्टैंडर्ड क्वालिटी ही रहता है। तो जो कस्टमर इंटरेस्टेड है जो मॉडल के अंदर, जैसे कि हमें बैटरी वाला मशीन है जिसको पावर का तकलीफ है, बिजली का इलेक्ट्रिक का फॉल्ट है, पावर मिलता नहीं है प्रॉपर, तो आप ये बैटरी ऑपरेट वाली मशीन ले सकते हो। अगर आपके पास पावर का उपलब्ध ही है पावर का, पावर है आपके पास तो आप इलेक्ट्रिक वाला मॉडल ले सकते हैं। अगर ज्यादा पावर है आपके पास, बड़ा कोई शोरूम है वहां पे रखना है, तो इस टाइप का चिलिंग वाला कार्ट भी ले सकते हो दोस्तों, जिसके अंदर से एकदम ठंडा और चिल्ड होकर जूस निकलता है दोस्तों।
ठीक है। तो इस टाइप की मशीन लेने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप एक बार हमारी कंपनी पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी की सेल्स टीम एक्टिव रहती है मंडे से लेकर सैटरडे तक। ब्लिंकिंग में नीचे वीडियो में भी नंबर आ रहे हैं, वो नंबर पे भी कॉल करके आप मशीन की फोटो वीडियो ब्राउचर मशीन की प्राइस मशीन के अंदर क्या ऑफर डिस्काउंट चल रहा है हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक हमारी टीम एक्टिव रहती है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।